सीतापुर सीवर डिपार्टमेंट मधु सिंह का अध्यक्ष के नाते मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमने संगत को 2007 में किया था और 2007 में जब हमारे साथ हम हेमंत सोपिया जी से हमारा संपर्क हुआ हम एनसीसी उससे पहले ना सीवर में और ना ही एनसीसी में कोई भी चीज नहीं कोई सुविधा है। गुजरात में 6 आदमी मारा गए थे तो अध्यक्ष के लिए उनके साथ ऐसा हुआ था कि जो मेरा लोहे वाले ही जो के नाम को रहे थे उन्हीं ने उनको डालता हो तो हम वहां पर गए थे वहां पर हमने वहां पे शिविर कर्मचारी से लेके वहां पे मिश्रा जी थे। देखो मिश्रा जी ने बहुत कुछ किया अशोक जी अशोक काकी हमारे साथ लगे रहे इन्होंने भी बहुत काम किया। तो गुजरात में हम रुके और गुजरात में हमने आगे जितने भी सफाई कर्मचारी थे सब इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने के बाद सबसे पहले मुआवजा शिव सफाई कर्मचारी मिले 10,00,000 रुपए का मुआवजा हो उसके बाद कुंभ और मैं नागपुर में गया हूँ डबा बासा की पूरी टीम लिखी है वहां पे भी हमने समाज को बताता के मीटिंग करी अभी बाहर की बात आ रही यादव की बात और बात भी की वहां पे लैंड बार रहते यादव उसके दूसरी बाइक साइड रहते वहां और तीसरी साइड रहते वाल्मीकि लेकिन सत्ता एक नहीं है मतलब संगीत नहीं है चाहे बड़ा कितने शिक्षित हो और जब तक संगठित नहीं हुए जब तक संघर्षशील तभी बन सकते तभी हम संघर्ष करते क्योंकि आपको पता है कि अभी पिछले महीने में लोधी रोड में देश राज्य के सफाई लोग के चेयरमैन आए हुए थे और वहां पे राज्य मंत्री था और हमारे सत्ताचार्य के और दिल्ली से तो वहां पर यह हुआ था कि 1993 से लेकर आज तक जितने सहायक के चेयरमैन है अपने क्षेत्र किसने 10,00,000 रुपया मुआवजा दिलवाया है तो सबसे पैसे पीछे दिल्ली ने
वहां हमारा इलाज होता है, चाहे 2 लाख रुपए लगो, चाहे 1 लाख रुपए लगो, चाहे 3 लाख रुपए लगो, चाहे वो कोई भी बीमारी ना हो, लेकिन हमारा पैसा बदल जाता है। पहले हम अपने जीवन पे काम करते कि क्रेडिट कितने कैसे दी इसको, लेकिन तीन हमें कैसे मिली। और आज आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि उसके साथ साथ उन्हें शिवर और नाले के कर्मचारी काम कर रहे थे, जो आज एमसीडी में है। पहले हम एमसीडी में थे और हमारे यूनियन का नाम था कि बच्चे सफाई मजदूर शिवर सारा। उसके बाद हम जलगोड़ में आए तो हमने यूनियन का नाम चेंज कर दिया, उसका नाम रखा दिल्ली जलगोड़ शिवर डिपार्टमेंट मजदूर शिविर। लेकिन जलगोड़ के अंदर एक ही यूनियन है जो शिवर सफाई कर्मचारी की, और कोई नहीं। जलगोड़ में बहुत सारी यूनियन, शिवर ट्रीटमेंट प्लांट है, शिवर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, हम बोलते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, हैदराबाद ट्रीटमेंट प्लांट, गुजरात ट्रीटमेंट प्लांट और क्या नाम नासिक ट्रीटमेंट प्लांट, हर एक जगह हम गए। हमने वहां जाकर देखा किस तरह से काम करते, 200-200 रुपए में एक शिवर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर सीटी लगाकर उस पर एक दूसरे को पकड़ा पकड़ा कर महिला और बड़े बड़े काम करे, समझ देख रहे बड़ा दुख पैदा हुआ। वो पूरी रिपोर्ट हम वहां से हमने निकाले और दिल्ली हाईकोर्ट को दिया। एल डी मिश्रा वो क्या नाम कोहली जो हमारे वकील थे, वो केस शुरू में लड़ा और 10 लाख रुपए मुआवजे का प्रावधान दिल्ली में लागू होया। आज 10 लाख रुपए शिवर कर्मचारी अगर कोई लेके तो उसको 10 लाख रुपए मांग रहा, चाहे वो किसी फार्म हाउस में हो, चाहे वो मतलब प्राइवेट सेक्टर किसी में भी हो, और चाहे सभी को 10 लाख रुपए मुआवजे का। मैंने 2-3 जिले के लिए लाया हूँ लोगों के लिए और उन्होंने फाइलें भी चला दी है। 10 लाख रुपये क्या मिलता था, 1,70,000 या 1,30,000 रुपये मिलता था, और आज 10 लाख रुपये मांग रहा मांग रहा होगा। लेकिन अभी इससे पहले इसके हाथों से मेरा ढोना या सिर पे मेरा ढोना या कहना, लेकिन उससे ज्यादा तो कुछ था ये पीजी दवा की खुद मैंने मिल जाए शिविर के अंदर। लेकिन वो भी चीज हमने हटवाई कि कोई भी आदमी शिविर के अंदर काम नहीं करेगा। अगर शिविर के अंदर काम करता पाया गया, जब कोई अपने घर से करा प्राइवेट करा रहा हो, अच्छा फिर बोर्ड का करा कर्मचारी हो, तो उसको 5 साल की सजा होकर 5 लाख रुपये उसको जुर्माना देना पड़ेगा। और उसमें हमारे साथ चंद्रलाल चाहिए वहां की बात, तो ये चीजें सारी हो। लेकिन दिल्ली का क्षेत्र तो बड़ा और कर्मचारी आज आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि नॉन मैट्रिक में हजर पाए और हमें उन्होंने कहा अच्छा पैसा मौका मिला, लेकिन वो नॉन मैट्रिक आ गए लेकिन उनको समझ नहीं पाए। हम नहीं हर एक डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, केवल उनको 4 क्लास में से 3 क्लास में लगा और 4 क्लास की भर्ती हुई बंद कर दी, ये 4 क्लास की भर्ती नहीं हुई। और दिल्ली के अंदर सीवर और वाटर के 35,000 कर्मचारी के 2,000 में आज घटके 12,000 कर्मचारी, ये दिन भी दिन कर्मचारी घटता जा रहा है। तरह तरह के कानून लागू कर रहे हैं कर्मचारियों के ऊपर कोर्ट जाना, लेकिन आज कोई भी यूनियन इस बात का ध्यान यह नहीं दे रही है कि वो कहते हैं केंद्र सरकार का एक सर्कुलर हुआ कि जो 10वीं पास होगा वो सिविल और सफाई के काम को करेगा, अन्यथा कोई नहीं करेगा। हमारे पास आ चुका है तो हमारे हमने कहा कि जो ठेकेदारी में जो नहीं काम कर रहे हैं कर्मचारी वो 10वीं पास है, 10वीं पास को लगाई दिया। अगर मैं 10वीं पास काम उसमें करेंगे तो फिर आप जलपुर में भी 10वीं पास लगाओ, धनशीली में लगाओ, ईसाई किसी में भी लगाओ, नगर पालिका में भी लगाओ, लेकिन कोई भी आदमी सफाई का या सीवर का काम करने के लिए 10वीं पास तैयार नहीं हुआ। और शिविर के अंदर बाहर हर एक समुदाय का आदमी काम कर रहा है, मतलब हर एक जाति का, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो काम नहीं करते, उनको ऊपर कोई अधिकारी बैठे होती सिफारिश और शिकायत करते, हमने सबके के नाम सर्टिफिकेट चेक करा देते, जाति प्रमाण पत्र सब, लेकिन घूम फिर के बाद उनको हमारी वहां से हटाकर जनमोड़ देते, शिविर कर्मचारी से हटाकर शिविर वेद हो के नाम वेदार बना के और उसको क्लियर हुआ हमारे आदमी। उसके बाद में हरनाम सिंह जी हमारे चेयरमैन सफाई
हमारे कोई ना कोई तो काम करेगा करेगा हमारी तरफ, चाहे वो महाजाति से हो, चाहे महंत्र हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे जो भी हो, हरे प्रांत में अलग अलग नामों से हमें पुकारा जाता है, क्योंकि हमें एक चुप नहीं हो सके, एक साथ नहीं हो सके। लेकिन काम वही वो भी वही कर रहे हैं, काम वो भी हम भी वही कर रहे हैं, लेकिन ये एक ना हो सके, संगठन मजबूत ना हो सके, इस करके इनको अलग अलग नामों से सदियों से लेकर आज तक पाठ से हुआ है। तो कहने का मतलब मेरा है क्या, संगठित होना, शिक्षित और संगठित होना, फिर संघर्ष करना, अभी जो बात आ रही है। तो हम इसी बात को आप लोगों को कहते हैं कि भाई शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो, मगर एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश मत करो, बस समाज का तुम्हें भला करना है। 45 महीने हैं कॉर्पोरेशन के अंदर, भलाई में कॉर्पोरेशन में नहीं मिली उनकी मदद, क्या काम करके 45 महीने सब बस रखा हुआ, सब अपने काम से बचते रखा हुआ, कहना ना लूट कर उठाते हैं। हमने खुद जाकर देखा मीटिंग में क्या किया था, मतलब बोलो कितना काम किया, कब लूट क्या होता भाई, ये विचार क्या होता है, एक पैन से एक अपनी वो क्या नाम है, किसी भी काम के लिए बिगर पैसे उनका काम नहीं होता, बिगर पैसे किसी का काम पेंशन के अंदर नहीं होता। हमने एयरपोर्ट के अंदर लोगों को 10-10 लाख रुपए विद्रा लेकर किसी को रिश्वत नहीं ना भेड़ दी और ना ही ले दी और ना दी। हम अपने पैसे से चलते कर्मचारी से पैसे जमाते हैं, हाँ मेंबरशिप का मेंबरशिप देता हूँ, उसी से काम करते हैं, चाहे बाहर गए चाहे कहीं मिले, कहीं भी मिलेगी हमने कर्मचारी को मिले। आज हमारे कर्मचारी के बोर्ड के अंदर जो है हर चीज की फैसले की मिलती है हर चीज कर्मचारी। लेकिन मैंने अपने सीए को एक लेटर लिखा था कि सम्मान काम का सम्मान वेतन दिया जाए, और मैं तो ये कहता हूँ कि हर एक डिपार्टमेंट में सम्मान काम का सम्मान वेतन दिया जाए, क्योंकि एक आदमी 150 रुपए ले रहा है, 60 हजार ले रहा, अरे एक आदमी के नाम 7 हजार से करके 6 हजार, क्यों भाई, काम वो भी वही कर रहा, काम वो भी वही कर रहा, तो सम्मान काम का सम्मान वेतन सबको दिया जाए। हमारा कहना अधिकार के मकान पहले मिले, लेकिन अपन क्योंकि हमारे अंदर एकता है, अगर हमें मारा था अधिकार के मकान हमारे लोगों को मिले जाए, छुट्टी छोटी में चले, अगर सब छुपाने के लिए उनको मिलता है तो कम से कम ये तो रहेगा दिल्ली के अंदर हमारा कुछ है। लेकिन वो भी अपने पहले था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के तहत, लेकिन बाबा साहब अपना योजना को हटा दिया, क्योंकि नए नए ये कानून बनाना चाहते हैं, कर्मचारियों पर नए नए कानून थोपना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि इसको सभी जितना सफाई का काम है सबको प्राइवेट सेक्टर में दिया जाए, ठेकेदारी करता, क्योंकि इसमें जिनको 42,000 45,000 40,000 और 35,000 रुपये तनख्वाह कटी हो गई, ये तो पढ़ेंगे भी इनके बच्चे, लिखेंगे भी, कोई अच्छे पूछ तो भी आएंगे, इनको रोकने के लिए इसको ठेकेदारी में दे दो, भर्ती बंद कर दो। तो ये चीज ये जो है इन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें आउटसोर्स प्राइवेट उसमें चले गए ठेकेदारी में, तो हम 7-8 हजार रुपया 10 हजार रुपया हम काम काम कर हम अपने बच्चों को नहीं करते। हर माँ बाप की उम्मीद है कि मेरा बच्चा कहीं टीचर बने, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा कहीं अच्छी पोस्ट पर जाए, IAS IPS कुछ ना कुछ, कहीं ना कोई किसी की सोच है, लेकिन सोमत है कम से कम 10 की तो सोच ऐसी है। मैं मानता हूँ आज हमारे समाज में बच्चे पढ़ गए बहुत, आज बहुत बच्चे बंगाल पढ़ने के लिए पढ़े लिखे नजर आते हैं, लेकिन रोजगार कहने का मतलब ये झाड़ू का काम इसमें लोग आगे सोचते हैं हमारा बच्चे कह रहे हैं इतने पढ़ रहे इसको लिखते हैं, लेकिन आज वो नहीं है, भूल जाओ उन बातों को, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को शिक्षित करो और बच्चों को ज्यादा ध्यान दो। आप अपने ऊपर अगर तो मैं एक वैसी चुप भाषा में कहना चाहता हूँ, अगर मैं एक आदमी 10,000 रुपये रोज का खर्चा अपने लिए ना मिलता किसी भी चीज के लिए खान पीन में, और उसमें से तो 300 खाने 700 के बच्चों को पीछे लगा, अगर जब तक अभी ऐसी सोच ऐसी नहीं आते तब तक हमारे बच्चे आगे बढ़ सकते आगे नहीं जा सकते, और आउटसोर्स ठेकेदारी के खिलाफ हमें कदम उठाना पड़ेगा, और ये अप्रूव जो है ये जीदार इसको खत्म कराना पड़ेगा कि 720 आदमी का प्रावधान है, 720 आदमी के
अयोध्या भी साथ हूँ, अरे जितनी भी दुनिया में आई कोई भी अगर किसी भी जहां भी मुझे बुलाओ मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ और आप उसके साथ जाऊँगा।